हेलो बच्चों, कैसे हो? 12th क्लास आरओ काव्य भाग में 7वां पाठ बादल राग कविता है, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की रची हुई। इसके अभ्यास में आ गए हैं। पहला प्रश्न देखिए। अस्थिर सुख पर दुख की छाया, पंक्ति में दुख की छाया किसे कहा गया है और क्यों? दुख की छाया किसे कहा गया है और क्यों? तो देखो, इस पाठ में अस्थिर सुख उस सुख को कहा गया है जो भौतिक सुख है, जो अत्याचार, अन्याय और शोषण द्वारा जुटाया जाता है। पाठ के अनुसार शोषक वर्ग, पूंजीपति वर्ग, जिसने गरीब किसान, मजदूर और लाचार लोगों का शोषण करके धन लूट लूट कर बड़े बड़े महल और अटारियां बना ली हैं, उन्हें आतंकित करके उनको सब तरह से उनका शोषण किया है, उन अत्याचारी और शोषक वर्ग के सुख सदा रहने वाले नहीं हैं। वे भौतिक सुख जल्द ही नष्ट हो जाएंगे, वो सुख अस्थिर हैं और उसके ऊपर मंडराने वाली छाया उस भावी की ओर संकेत है जो क्रांतिकारी नेतृत्व द्वारा किसान और मजदूर अर्थात गरीब जनता के आह्वान पर क्रांति उत्पन्न होगी और उससे जो दुख पैदा होगा वो हमेशा मंडराता रहता है। कहने का अभिप्राय ये है कि आसमान में बादल का आ जाना इस बात का प्रतीक है कि अब जो धरती के ऊपर शोषण का सुख है वो ज़्यादा दिन नहीं ठहरेगा और जल्द ही एक बड़ी क्रांति आएगी, विप्लव होगा और सारा वैभव अत्याचार द्वारा जुड़ा हुआ वैभव बह जाएगा। इसलिए इस पाठ में अस्थिर सुख उस भौतिक सुख साधन और पूंजी को कहा गया है जो शोषण और अत्याचार से कमाई गई है, और दुख की छाया संभावित क्रांति को कहा गया है जो बादल के रूप में आसमान में मंडरा रही है। अंत में ये भी पूछा गया है कि ऐसा क्यों कहा गया है, और इसका उत्तर वैसे हमने बता दिया है, फिर भी दोबारा आप लिख सकते हो एक दो लाइन में कि इस सुख को अस्थिर इसलिए कहा गया है क्योंकि अत्याचार, अन्याय और असत्य द्वारा जो भी धन संचय किया जाता है, जो भी सुख साधन जुटाए जाते हैं वो अस्थाई होते हैं। भौतिक सुख कभी स्थाई नहीं होते। सद्गुण, सदाचार, ईमानदारी, प्रेम और शांति, ये वो दिव्य गुण हैं जो कभी नष्ट नहीं होते। इसलिए ऐसी चीज़ें अर्जित करनी चाहिए जो शाश्वत होती हैं, कभी नष्ट नहीं होती। व्यक्ति अत्याचार और अन्याय द्वारा जो भौतिक सुख जुटाता है वो कभी भी शाश्वत नहीं होते, कभी टिक नहीं पाते हैं, वो अवश्य ही नष्ट हो जाते हैं। और क्रांति की संभावना ही इन पर दुख की छाया कहलाई है। हमेशा ही बुराई से प्राप्त सुखों के ऊपर सत्य के प्रहार की संभावना बनी रहती है। इसलिए जहाँ भी अत्याचार होता है, अत्याचार से प्राप्त पूंजी होती है, वहाँ पर प्रतिकार और क्रांति का खतरा बना ही रहता है। इसलिए दुख की छाया बुराई से अर्जित संपत्ति के ऊपर हमेशा निश्चित होती है, बनी रहती है। प्रश्न दो है, असनी पात से स्थापित उन्नत सत सत वीर पंक्ति में किसकी ओर संकेत किया गया है? यहाँ आपको ध्यान रखना पड़ेगा, यहाँ जो वीर शब्द आया है वो कौन है और उसकी विशेषता देखिए क्या है। असनी पात से स्थापित, जो वीर हैं वो असनी पात से स्थापित हैं, यानी उनके ऊपर वज्र गिरेगा, ये शाप उनको मिला हुआ है, इसलिए उनको असनी पात से स्थापित कहा गया है। तो किसकी ओर संकेत किया गया है? ऐसे संपन्न लोग जिन्होंने अत्याचार और शोषण के द्वारा बाहुबल, पैसा, सत्ता, प्रभाव ये सब प्राप्त कर लिया है, जिन्होंने इस क्षेत्र में, अनेक क्षेत्रों में वीरत्व प्राप्त कर लिया है, सामर्थ्य प्राप्त कर लिया है, उनका विनाश इसलिए निश्चित है क्योंकि इस धन, दौलत, ताकत और पैसे तथा सत्ता की प्राप्ति का तरीका शोषण और अत्याचार का था। इसलिए
ऐसे वीर, ऐसे बाहुबली जिन्होंने अत्याचार से ताकत इकट्ठी करी है, पैसा इकट्ठा किया है, सत्ता हासिल की है, निश्चित रूप से उनके ऊपर वज्रपात का साप लगा हुआ है और गरीब जनता की हाय लगी हुई है। गरीब जनता के हाय से, गरीब जनता के श्राप से उन्हें एक न एक दिन नष्ट होना ही पड़ता है, इसीलिए उनको अस्मिपात से शापित सत्सत वीर कहा गया है। तो सैकड़ों ऐसे लोग समाज में देखे जाते हैं जो गरीबों के अत्याचार और शोषण के द्वारा बहुत ऊंचे ऊंचे स्थानों तक चले जाते हैं, बहुत बड़े बाहुबली बन जाते हैं और अंत में नष्ट भी हो जाते हैं, क्योंकि उन्हें गरीब जनता की आत्मा का शाप लगा हुआ होता है। प्रश्न संख्या 3 देखिए। विप्लव रव से छोटे ही हैं शोभा पाते, विप्लव की क्रांति से छोटे ही शोभा पाते हैं, क्रांति के शोर से छोटे ही शोभा पाते हैं। इस पंक्ति में विप्लव रव से क्या तात्पर्य है, छोटे ही हैं शोभा पाते ऐसा क्यों कहा गया है, तो इसका उत्तर देखिए, समझिए। जब भी विप्लव माने होता है क्रांति, प्रवाह भी कह देते हैं, रव माने शोर। जब भी कोई समाज में परिवर्तन होता है तो एक शोर होता है, क्रांति का शोर। इससे जो छोटे लोग हैं, गरीब, असहाय, वही शोभा पाते हैं। तो यहाँ विप्लव रव का क्या मतलब है, जब भी समाज में शोषण और अत्याचार का चक्कर चलता है तो उसके विरुद्ध आवाज़ उठना तय होती है, और एक न एक दिन गरीब और शोषित वर्ग, अत्याचारी वर्ग के विरुद्ध, अमीर और संपन्न, दोषी और अपराधी वर्ग के विरुद्ध आवाज़ उठाता है। इसी को विप्लव का शोर कहा गया है, विप्लव रव कहा गया है। इसमें छोटे ही शोभा पाते हैं ऐसा इसलिए कहा गया है क्योंकि निम्न वर्ग का ही शोषण किया जाता है, जिसके प्रतिक्रिया स्वरूप क्रांति पैदा होती है, और वह क्रांति जो परिवर्तन लाती है उसमें निश्चित रूप से शोषक वर्ग को नुकसान उठाना पड़ता है, सत्ता परिवर्तन हो जाता है और शक्ति परिवर्तन हो जाता है। गरीब वर्ग दुष्ट और आतताइयों से सत्ता और वैभव को छीन लेता है और अपनी सत्ता स्थापित करता है, न्याय और सत्य की सत्ता स्थापित करता है। वैसे भी गरीब लोगों के पास खोने के लिए कुछ नहीं होता, और क्रांति से हमेशा संपन्न और अधिकार प्राप्त लोगों को ही भय होता है, उन्हीं को नुकसान होता है, और इसी कारण कहा गया है कि विप्लव रव से हमेशा छोटे ही शोभा पाते हैं, अर्थात गरीब लोग ही खुशहाल होते हैं, शोभा को प्राप्त होते हैं, गौरवान्वित होते हैं, और शोषक वर्ग को, संपन्न और शोषक वर्ग को हमेशा नीचा देखना पड़ता है। प्रश्न संख्या 4 देखिए। बादलों के आगमन से प्रकृति में होने वाले किन किन परिवर्तनों को कविता रेखांकित करती है, मतलब बादलों के आगमन से प्रकृति में क्या क्या परिवर्तन होते हैं कविता के आधार पर हमें बताना है, तो इसके लिए हम कविता में चलते हैं। शुरू के अनुच्छेद में ही पता चलता है कि जब आसमान में बादल आते हैं तो वो अस्थिर सुख पर दुख की छाया के समान मंडराने लग जाते हैं, और ये बादल एक युद्ध की नौका के समान होते हैं जिसमें गरीबों की और छोटे छोटे प्राणियों की, पौधों की आकांक्षाएं भरी हुई होती हैं। बादलों के आसमान में आते ही आशाओं से, नए जीवन की आशा से भूमि में पड़े हुए बीज जो है, जो सोए हुए थे, वो अंकुर जाग जाते हैं और सिर ऊपर उठाकर आह्वान करने लगते हैं क्रांतिकारी नेतृत्व रूपी बादल का। जब आसमान में बादल आते हैं तो फिर वो गरजते हैं, मूसलाधार वर्षा होती है, सारा संसार सन्न रह जाता है, शांत हो जाता है, और अनेकों उन्नति के शिखर पर गए हुए वीर जो है, सैकड़ों वीर, वो क्षत विक्षत होकर के नीचे गिर जाते हैं, और ऐसा होने के बाद छोटे छोटे पौधे जो शोषित वर्ग का प्रतीक हैं वो हंसते हैं और खुशहाल हो जाते हैं और अभिनंदन करते हैं क्रांतिकारी बादल का। और इतना ही नहीं है, आसमान में बादल के आने और गरजने पर जो शोषक वर्ग है वो अपनी अटारियों में अपने महलों में छुप करके, अपनी अंगनाओं के गोद में छुप करके
आतंकित होते हैं और अपने मुख और नैनों को ढकने लग जाते हैं। इस क्रांति से केवल बड़े बड़े पेड़ रूपी जो शोषक वर्ग है वो उखड़ जाता है, लेकिन छोटे पौधे जो शोषित वर्ग का प्रतीक हैं वो हमेशा प्रसन्न रहते हैं, उनके शरीर से हमेशा नीर छलकता है, यानी ये क्रांति रूपी बाढ़ उनका कोई नुकसान नहीं करती। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि आसमान में बादलों के आने पर प्रकृति में अनेक प्रकार के परिवर्तन होते हैं, जिसमें बुराई की समाप्ति और अच्छाई की शुरुआत का की अपार संभावनाएं होती हैं। अभ्यास के प्रश्न पूरे हो गए हैं, इनको आपने लिखना है और याद करना है।